हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरेशन ऑनलाइन लाइव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 2, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्ट नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रेस वीडियोस के अंदर पार्ट नंबर 12 किया था। पार्ट नंबर 12 का जो टॉपिक था वो डियर स्टूडेंट्स पास्ट एडजस्टमेंट का था, और आज भी टॉपिक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में डियर स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे लेसन नंबर 47। स्टूडेंट्स, 5 से 6 इलस्ट्रेशन हम लेके चलते हैं। आई होप सो दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। इफ फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। वी आर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन एंड स्टे होम स्टे सेफ। स्टूडेंट्स, चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 47 क्या है। डियर स्टूडेंट, देयर आर टू पार्टनर्स आर मुदित एंड उदय। मुदित उदय दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो है डियर स्टूडेंट 2:3। ये उनका रेशियो है, तो 2/5 एंड 3/5। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया है कि उनकी जो कैपिटल है वो बैलेंस कर रही है 70,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। एक की कैपिटल 70,000 रुपए है और दूसरे की कैपिटल 60,000 रुपए। पास्ट एडजस्टमेंट में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या सैलरी होता है या कमीशन होता है, ये एक साइड में होते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो लेना भूल जाते हैं, वो हमारा क्रेडिट साइड में होता है पेनल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक रूल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जस्ट रिवर्स रूल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन है, तो हमें बता रखा है इन केस ऑफ द माइनस डेबिट एंड प्लस क्रेडिट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड तो करंट अकाउंट वर्ड यूज किया जाएगा। क्या हुआ, इन्होंने क्या भूल गया, ओमिटेड हो गया नंबर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आल्सो 6% पर है, एंड मुदित इज दैट द कमीशन 4000 फॉर द होल ईयर, और मुदित का 4000 कमीशन। ये तीन चीजें बोल गए डियर स्टूडेंट्स, ए और ये दोनों एक साइड में होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक साइड होता है। अगर ये अमाउंट ज्यादा हो तो इसमें से घटा देंगे, और ये हमेशा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कम अमाउंट होता है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, अर्थात इन दोनों में से इसको लेस करने के बाद सेम रूल अप्लिकेशन करेंगे। तो आपने क्या बनाना है स्टूडेंट्स, हमने बनाना है टेबल शोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए टेबल शोइंग स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करेंगे। टेबल शोइंग स्टेटमेंट मोदित उदय एंड टोटल, सबसे पहले क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही कैपिटल 70,000 थे, 60,000 थे, 6% के हिसाब से स्टूडेंट 4200 रुपए और 3600 रुपए, टोटल 7800। कमीशन ओनली मुदित का था 4000 रुपए, 4000 इसको हमने जोड़ दिया तो ये आ रहा है 8200 रुपए, और इसका जोर किया 3600 रुपए, तो टोटल आ रहा है हमारा 11,800। ये टोटल आ गया। इफ यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता तो स्टूडेंट्स हम क्या करते, 11,800 को डिवीजन कर देते, डिवीजन का रेशियो नहीं दे रखा था, इसे इक्वल माना जाता है, लेकिन इसमें रेशियो गिवन कर रखा है 3/5 एंड 2/5, 2/5 एंड है लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग क्या क्या थी उनकी, एक ने 16,000 रुपए ड्राइंग की और एक ने 12,000 रुपए ड्राइंग की। स्टूडेंट 16,000 का 6% कितना होता है 9600। लेकिन एक बात हमने बता रखी थी कि अगर आपको टाइम नॉट गिवन दे रखा है, लेकिन टाइम ये रखा है दोनों ने जो विड्रॉन किया है वो डियर स्टूडेंट्स 1 जनवरी को,
अब देखिए 16,000 रुपए 6% 960 रुपए होते हैं। जनवरी फरवरी में हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, 240 रुपए। दूसरे कैंडिडेट में 12,000, 12,000 का 6% कितना होता है स्टूडेंट, 720 रुपए होता है ×3/12। दूसरे कैंडिडेट का भी जो अमाउंट आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो आ रहा है कितना अमाउंट का देख लेते हैं, पर 12,000 है क्या, 16,000 और 12,000। दोनों को जोड़ कर देंगे तो ये आ रहा है 420 रुपए, हम इसमें से लेस करेंगे। अब देखिए ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, ये पॉजिटिव साइन होता है जो मुझे बता रहे 0, 6, 9, 7,960, 0, 2, 4, 3,420, इसमें से लेस करेंगे 8, 3, 11,380। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये आया 11,380। अब सवाल में क्या करना है, ये इसका नोट फिनिश हो गया, इस 11,380 को डिवीजन करना, फिर वही सवाल आ गया सेम 2:3 में, 2/5 और 3/5, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ रहा है डियर स्टूडेंट 4,552 रुपए। और दूसरे कैंडिडेट का आ रहा है डियर स्टूडेंट 6,828 रुपए, और ये सेम 11,380 ये डैश। अब देखो ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 3,408। अगर पॉजिटिव 3,408 है तो नेगेटिव भी 3,408 ही आएगा, 8 में 8, 2 में 2, 8 में 4, 7 में 3, तो 3,408। व्हाट मेक जनरल एंट्री, अब जनरल एंट्री क्या होगी, रूल सेम वही डिटो, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा है तो माइनस को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट डेबिट करेंगे और प्लस को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो कैपिटल अकाउंट अमाउंट 3,408। तो ये थी डियर स्टूडेंट वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट नया आया है बाकी पुराना ही, इंटरेस्ट और कैपिटल कमीशन दोनों ध्यान रखना, ये पेनल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता है और ये क्रेडिट साइड में, इन दोनों अमाउंट को ऐड किया, इसको हमने लेस कर दिया, जो भी अमाउंट आया उसको डिवीजन कर दिया। नेक्स्ट लेसन नंबर 48, लेसन नंबर 48 में क्या है डिस्ट्रेंट देखिए, एक फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट दे रखे है वो एंडेड इन द मे बी नेट प्रॉफिट 30,000 रुपए विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, जो साझेदारों में बांटा जा चुका है एबीसी में, और उनका जो रेशियो है वो डियर स्टूडेंट 3:1:1 का रेशियो है, 3/5, 1/5 एंड 1/5 का रेशियो है। 1 अप्रैल को उनकी जो कंडीशन है उन्होंने क्या पास आउट नहीं किया, मेंशन द ट्रांजेक्शन नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बकायदा निकाल कर दे रखी, आपने कुछ नहीं करना है, 350 रुपए और 250 और 150 रुपए, सैलरी ए की 5,000 रुपए है और बी की सैलरी 7,500 रुपए है, और कमीशन जो है वो स्पेशल ट्रांजेक्शन देने पर ए को दिया गया 3,000 रुपए का। ये चीजें नहीं कर पाए और कैपिटल जो उनकी थी वो 25,000 रुपए, 20,000 और 15,000। कैपिटल आज 25,000, 20,000 और 15,000, ये उनकी कैपिटल है। रेशो का जो दे रखा है डिस्ट्रेंट वो दे रखा है 3:1:1 का, 3/5, 1/5 एंड 1/5 का रेशो। क्या क्या चीजें भूले हैं वो टेबल शोइंग स्टेटमेंट में हम बनाएंगे, तो हम लिखेंगे टेबल शोइंग स्टेटमेंट,
देखेंगे स्टूडेंट्स क्या भूल गए। ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स, ए बी एंड सी इन द टोटल। फर्स्ट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट बताया था स्टूडेंट? सभी मैंने बताया था कि 10% के हिसाब से, तो सीधा इनका एक जीरो हम इसमें रिमूव कर देंगे। इसका 2500 रुपए, इसका 2000 रुपए और इसके 1500 रुपए, टोटल हमारे पास आ गया 6000 रुपए। 6000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो उसके बाद दूसरा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो लेस होता है सैलरी, जो डेबिट साइड में है वो एक जगह कमीशन। सैलरी किस किस को दी गई थी स्टूडेंट? ओनली टू कैंडिडेट्स आर हियर, ए और बी। इसको 5000 रुपए और इसको 7500 रुपए, इसको छोड़ देंगे 12500 रुपए। कमीशन ए को स्पेशल ट्रांजेक्शन में 3000 का मिला था और इनको नहीं मिला था, तो 3000 रुपए हमने इसका ऐड करना है। 5,10,500 रुपए, 9,500 रुपए और 1,500 रुपए, इन सब का जोड़ ये एक आएगा। हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 500, 6 × 8 = 21,500 रुपए। इसको जोड़ेंगे तब भी 21,500 ही आएगा, 5×15 = 19,500 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से इंटरेस्ट और ड्राइंग को लेस करना है। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 350, 250, 5, 2, 2, 4, 3, 750 रुपए, ये इसमें से लेस कर देंगे। लेस करेंगे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 10,150 रुपए। इसमें से करेंगे तो 9,250 रुपए और इसमें से करेंगे 1,350 रुपए और इसमें से करेंगे तो आएगा 20,750 रुपए। अब यहाँ आके सवाल डिवीजन पे आ गया, इसको हमने बंटवारा करना है डिवीजन, और रेशो क्या दे रखे है? 3/5, 1/5 एंड 1/5। हमने इसका डिवीजन किया तो यह आ रहा है 12,450 और नेक्स्ट आ रहा है 4,150 और टोटल 20,750। यहाँ डैश आ गया। अब देखो ये संख्या छोटी है बड़ी, यहाँ माइनस ये प्लस और ये भी माइनस, क्योंकि ये संख्या छोटी, जब छोटी ऊपर होगी और बड़ी नीचे है तो माइनस का निशान आएगा, ऊपर संख्या बड़ी और नीचे तो प्लस का निशान आएगा। करने पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहा है 2300, 4×2 = 0,0,1,5,100, 5,100 प्लस के हैं तो माइनस के 2800 आएंगे, 5,0,11,3,8,3,2800 बिल्कुल सही है। अब देखिए फिर वही, ये माइनस दो है, ये दोनों डेबिट होंगे तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना एक का कितना है? 2300 रुपए, इसका कितना है? 2800 रुपए और टोटल है 5100, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आर इक्विवेलेंट इन एवरी टाइम। तो ये स्टूडेंट्स 48 इलस्ट्रेशन था, 47 से मिलता जुलता था, बिल्कुल वही चीजें थी, उसमें दो आइटम थे, इसमें तीन है, उसी इंटरेस्ट और ड्राइंग को हमने लेस किया और घटाने के बाद आपके सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट 49, स्टूडेंट्स हर इलस्ट्रेशन आपने नोटबुक में करना है और फेयर नोटबुक में अपने एक्सरसाइज रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। कोई अगर नहीं आता है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। 49 में क्या है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, वही सारे कंसेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह देना भूल गए और साथ में एक वर्ड हो रहा है जनरल रिजर्व। पॉइंट नोट करना, जनरल रिजर्व भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता है, बट इसकी एक बात है, जनरल रिजर्व ये जब तक फर्म चलती रहती है, अर्थात इसमें जनरल रिजर्व को
पार्टनर की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अगर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो। जनरल रिजर्व आल्सो शोन द डेबिट साइड, तो पहले हम इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी वगैरह ट्रीटमेंट करेंगे और लास्ट में हम करेंगे फिर जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग। क्या क्या है देखिए डियर स्टूडेंट्स, देर आर थ्री पार्टनर्स परवीन, साहिल और रिया। There are three partners, Parveen, Sahil और रिया। Table showing statement। तो तीन पार्टनर हैं, सबसे पहले क्या नंबर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज कितना भूल गए। देखिए उनके जो कैपिटल है वो है 2 लाख, 1,60,000 और 1,20,000, 5% के हिसाब से इसका 10,000, इसका 8,000 और 1,30 है तो इसका 6,500 रुपए, 1,20,000। 10 और 8, 18, 6, 24, ये 24,000 रुपए भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा डे स्टूडेंट्स क्या भूले हैं, सैलरी किस किस कैंडिडेट की, 1,500 रुपए परवीन की और 1,000 रुपए पर मंथ। सैलरी परवीन की 1,500 रुपए पर मंथ, तो 18,000 रुपए पर मंथ है तो 12 से गुना होगी, पर एनम है तो किसी से गुना नहीं होगी और क्वार्टर है तो 4 से होगी। साहिल की नहीं है, रिया की सैलरी 1,000 है तो 12,000 रुपए टोटल 30,000। दो कैंडिडेटों की सैलरी थी तो टोटल अमाउंट हम इसको ऐड कर लेंगे, कितना अमाउंट पेबल है तो ऐड कर लीजिए। हमने ऐड किया तो स्टूडेंट ये 28,000 इंटरेस्ट ड्राइंग है इसमें, ये 8,000 और ये 18,000 और ये टोटल 54,000। स्टूडेंट 54,000 का क्या होगा, डिविजन होगा, बंटवारा होगा, बंटवारे का रेशियो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स में, दे रखा है 3:1:1, तो हम बांटेंगे तो 32,400, 10,800, 10,800। तो ये सवाल देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सामने दो चार किए तो उन्हीं में आ गया था, यहाँ कंसेप्ट नया कौन सा आया है, तो सबसे पहले तो इसको घटाओ, ये तो माइनस का, इसमें घटाएंगे ये भी माइनस का और ये आएगा पॉजिटिव, ये आ रहा है 7,200। तो यहाँ पर जो ये है 8 या 2800, तो यहाँ पर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 14,400। क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस और प्लस ये तो सिमिलर अमाउंट होनी चाहिए, 4, 12, 4, 44, 2800, 2700। अगर मान लेते हैं स्टूडेंट जनरल रिजर्व नहीं था तो सवाल फिनिश हो जाता है, एंट्री क्या होती, परवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियाज कैपिटल अकाउंट इन दिस केस, पर जनरल रिजर्व आल्सो क्यों, तो जनरल रिजर्व को भी क्योंकि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पार्टनर में, वरना जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट भी यही करके हम डिवीजन कर देते। हम जनरल रिजर्व को कहने का मतलब अलग शो करेंगे सर, ये ध्यान रखना, अगर कोई अमाउंट पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो रहा उस समय और वो वहां शो हो रहा है, क्योंकि जनरल रिजर्व और पेमेंट अप्रोप्रिएशन में शो होता है लेकिन वो अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता। तो 3:1:1 में जनरल रिजर्व क्या भूले थे, वो ट्रांसफर नहीं कर पाए 6-10,000 रुपए, रेशियो वही होगा तो इसका 6,000 रुपए, ये 2,000 रुपए और ये 2,000 रुपए और ये है 10,000। अब देखिए ध्यान रखना, पॉइंट भी नोटेड, ये माइनस जोड़ तो हो जाएगा लेकिन माइनस कहीं रहेगा, ये आएगा 10,400, ये आ रहा माइनस के 4800,
ओके, और ये क्या आ रहा है? अड़तालीस सौ। और ये आ रहा है डे स्टूडेंट्स प्लस का, डिप्रिसिएशन संख्या बड़ी है तो 5,000। तो अब आप ये समझ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये मैचिंग नहीं होगी। ये मैचिंग कैसे होगी मैं बताऊंगा आप कैसे होगी। ये 10,000 भी इसके साथ इंक्लूड है। जब मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री को ये स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं ये माइनस के दोनों करता हूँ ये प्लस का, तो एंट्री बराबर नहीं होगी। तो जनरली सिर्फ की एंट्री भी साथ चलेगी आपके, तो एंट्री क्या होगी? आपने सिर्फ इस बात को समझना है कि एंट्री क्या होगी। देखो ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट, क्योंकि अगर ये क्रेडिट नहीं होगा तो अमाउंट आर नॉट सिमिलर, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आएंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। हमारी एंट्री होगी प्रवीण कैपिटल अकाउंट डेबिट, साइंस कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर डेबिट, टू रिया एंड टू जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं लिखेंगे तो हमारा अमाउंट आर नॉट इक्वल आर नियर, क्योंकि ये दोनों माइनस और ये पॉजिटिव साइन है। तो 10,400, 4800 और यहाँ पे 5,200 रुपये और ये 10,000। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे 15,200, ये भी 15,200। तो चाहे कमीशन के रिगार्डिंग हो, मैनेजर का कमीशन हो, क्योंकि ये जनरल रिजर्व वगैरह मैनेजर कमीशन आर नो ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका कोई रेशियो नहीं होता है, डेट नहीं होती है, तो इनको हम अलग से यहाँ पर प्लीज जनरल रिजर्व हो या उसके कमीशन हो आपके प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज में आएगा, यहाँ पर माइनस का निशान जरूर लगाएं। जब ये माइनस का लगाएंगे तभी आप कर सकते हैं। ये माइनस ये माइनस होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये माइनस दोनों को ऐड कर देंगे, ये पॉजिटिव प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से लेस कर देंगे और ये 10,000 रुपये सेम अमाउंट लिख देंगे एज वेल एज। तो ये था जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेसन नंबर 50 क्या है? देखिए जो स्टूडेंट्स अब तक का आपने पढ़ा रेशियो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, इस पॉइंट में कंसेप्ट में नया क्या है? सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट नया है, पॉइंट कर लो नोटिस। आपको रेशियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दो बार दिया होगा, एक वो जो एक्चुअल में होना था और एक जो ऑलरेडी हो चुका था। देखो गलती क्या हुई है, मान लेते हैं जो रेशो था एक्चुअल में वो रेशो था ए और बी दो पार्टनर, थ्री रेशो टू था, इसमें होना था, लेकिन गलती से क्या किया वो चीजें तो ध्यान दी नहीं, और जो प्रॉफिट भी था गे स्टूडेंट उसको भी उन्होंने बराबर बराबर पहले ही बांट दिया डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चीज देने से पहले। तो देखो ये एक्चुअल में होना चाहिए और ये ऑलरेडी हो चुका है, तो आपने सवाल को ऐसे करना, पहले एक्चुअल में क्या मिलना चाहिए उनको, फिर ऑलरेडी को लेस कर देंगे, वही माइनस और क्रेडिट का रूल अपनाएंगे, माइनस डेबिट और प्लस क्रेडिट का। तो देखिए इलेशन नंबर 50 दे स्टूडेंट्स, रोहित रमन और वेना एक्चुअल में क्या क्या बोलिए वो लिखो पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका आ रहा है 10,000, 6,000 और 8,000 रुपये, 10,000, 6,000 और 8,000 रुपये, तो टोटल कितना होगा जो स्टूडेंट 24,000। एक तो ये बोल गए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या होता है रिवर्स होती है, 300, 300, 300, आप देखिए हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट कितना था, ये प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एक्चुअल में हमारे पास था स्टूडेंट 72,000 का, तो
यहाँ पर आपने क्या करना है, 72,000 एक्सेल में जो होना चाहिए था ये लेस, 24,000 को मैं लेस कर दूंगा और 900 रुपए को ऐड कर दूंगा, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचेगा, 48,900 रुपए। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका जो रेशियो दे रखा है वो बता रखा है 5:4:1 में। ये प्रॉफिट इनको जब मिलेगा तो क्या आएगा जी स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ये अमाउंट दोनों ऐड होती है लेस वाले हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, 24,450, 10,560 और 4,800, 24,450, 10,560 और तीसरा है हमारा 4,800 रुपये, और ये आ रहा है 48,900। इसको जब दौड़ेंगे तो वही 72,000 आ जाएगा, इसका दौड़ भी 72,000 ही आएगा। देखो 24 और 10 34,450 में से 300 घटा देंगे तो 34,150, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लेस होनी है, इन दोनों को जोड़ेंगे 16,560 में से घटाएंगे 16,260 रुपए, इसमें से जोड़ेंगे 12,810 तो 12,510 रुपए, और इन तीनों का जोड़ भी यही आएगा। एक बार फिर देखो ये 4,890, तो ये आ रहा है 12,590 रुपए। अब जो डिवीजन हो गया है, एक्चुअल में ये सवाल ये था रियली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 72,000 को बराबर बराबर 24,000 रुपए ले लेके चला गया, 24,000 ये लेगा, 24,000 रुपए ये लेगा और 72,000 रुपए फेंक। अब फिर वही ये प्लस ये माइनस, ये बड़ी संख्या है तो पॉजिटिव आएगा आपके पास 10,150। यहां पर माइनस का, क्योंकि ये छोटी संख्या ये बड़ी, यहां पर ये माइनस का, इसमें से करेंगे तो ये 1,260 आ रहा है और ये आ रहा है 11,410। यहां पर ये गलत हो गया है, 19,500, 19,000 स्टूडेंट 560 है और ये आ रहा है 25,260, 25,24 आएगा तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, 1,260 रुपए। ओके, और ये आ रहा है 11,410 रुपए। यहाँ दस, आप देखिए ये माइनस और ये दोनों प्लस, इन दोनों का जोड़ यही अमाउंट आएगा, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हमारी हो जाएगी रैनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित एंड रमन, रैनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,410 टू रोहित टू रमन 10,150 और 1,260। आई रिपीट अगेन, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ध्यान रखना आपने इस कॉन्सेप्ट में रिगार्डिंग में 50 तक ही क्वेश्चन करने हैं। इंटरेस्ट जो भी है वो कैपिटल का इसमें से लेस करके पहले आप चाहे यहाँ कर लेना, ये पॉजिटिव पे है ये पॉजिटिव, फिर क्या करना है आपने, जो नया कॉन्सेप्ट आया है इसमें रेशियो दो दे रखे हैं, एक जो दे रखा है रेशियो 5:4:1 जो एक्चुअल में होना चाहिए और एक ऑलरेडी जो हो गया, दो रेशो मिलेंगे इसमें सवाल इस टाइप के करने हैं। पहले जो एक्चुअल में होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ड्राइंग्स, जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से 24,000 लेस कर देंगे, 900 ऐड कर देंगे और उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आ रहा है यहाँ पर 72,000 डिस्ट्रीब्यूट इन द इक्वालिटी और फिर लेस करते समय माइनस डेबिट और प्लस क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आप अपने होमवर्क की, स्टूडेंट्स आपका होमवर्क प्लीज, होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, हमने आज 50 तक क्वेश्चंस किए हैं और हमने स्टार्ट किया था 47। ये आपका इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग एंड एक्सरसाइज आल्सो 47 टू 50 इन फियर नोटबुक।
भी कोई प्रॉब्लम है तो दे सकते हैं 9416586639 माई पर्सनल नंबर, कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपने डाउट सेशन करो। आपके वीडियो के रिगार्डिंग या प्रेस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके डाउट है तो प्लीज। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ पलक, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। प्रियंका, ओके। अंकित यादव, योगेंद्र, विकास यादव, विकास यादव बोलिए प्लीज। विकास यादव आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरे? अशोक, अशोक माइक ऑन कीजिए। साक्षी, गुड मॉर्निंग। दीपक, दीपक, दीपक बोलिए प्लीज। दीपक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? दीपक बोलिए। मिंटू, मिंटू, कामना, ओके। प्रवीण, आरजू यादव, गुड मॉर्निंग बेटा। एनी डाउट बोलिए। आरजू, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? प्रिया, प्रिया राव फ्रॉम रेवाड़ी, गुड मॉर्निंग। मोहित शर्मा, गुड मॉर्निंग, ओके। आरती, आरती आरती, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आपके पास? मयंक यादव, मयंक यादव, मयंक यादव अभी दिखाई दिया था, कहाँ गया मयंक यादव? नहीं है, नहीं है। अशोक, मेरी आवाज पहुंच रही आप तक? अशोक माइक ऑन कीजिए। आरती, आरती की आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही है। कोई नहीं, अगर आरती है तो प्लीज व्हाट्सएप के रिगार्डिंग में कांटेक्ट कर लेना, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। और कोई स्टूडेंट अगर किसी की प्रॉब्लम है तो, डाउट है तो प्लीज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।